क्रेडिट होगा तो ही आएंगे, जोड़ जोड़ के अनुसार अहंकार के अनुसार नहीं आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरा जो प्रदर्शन रहा, बीजेपी का जो पूरा प्रदर्शन रहा राष्ट्रीय स्तर पर, वो अहंकारी प्रदर्शन रहा। और उनको लगा कि सत्ता जब हमारी मुट्ठी में आ गई है तो राजनीति में लोग अक्सर कहते हैं येन केन प्रकारेन साम दाम दंड भेद, वो राजनीति नहीं है, गुंडागर्दी है साम दाम दंड भेद। राजनीति वही है जो गांधी कहते थे कि राजनीति का मतलब होता है कि आप अपने देश का, अपने युवकों का, आप अपने देश के गरीबों का, अपने देश के आम आदमी का भविष्य बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। अगर आप आम आदमी का भविष्य नहीं बदलते हैं तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप माफियागिरी कर रहे हैं। अब एक और लाइन में बोलूं, महात्मा गांधी कहते थे कि आप जो अच्छे अच्छे लक्ष्य रखते हैं तो आपका साधन संसाधन भी अच्छा होना चाहिए। क्या बीजेपी का साधन और संसाधन सही है? आप इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरह से आया, जो उसे पढ़ते खुली, जो हम लोगों ने देखा विपक्ष के लोगों को किस तरह से बंद किया गया, जिस तरह से अहंकार बोला, जिस तरह से चुनाव आयोग चुप रहा, जिस तरह से मतलब अदालतों पर जिस तरह से प्रभाव रहा। अभी उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं कि बंगाल के वो जो हाईकोर्ट के जो जज हैं जो इस्तीफा देकर के आए और ममता बनर्जी के बारे में कौन सी क्या नहीं कहा, उसके पहले जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया, वो सब प्रमाणित करता है कि ये लोग जो है सत्ता पाने के बाद फैल गए। फैल गए मतलब लगा कि अब हम उतरने वाले नहीं है। और आम आदमी को ये कहते हैं, एक और एक लास्ट लाइन बोल दूं, एक ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी को देखो, एक वोट जो दे रहे हो रेवन्ना को, जो वोट दोगे वो नरेंद्र मोदी मजबूत होगा। अरे रेवन्ना से नरेंद्र मोदी तो मजबूत हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश कमजोर हो जाएगा, हमारा आम आदमी कमजोर हो जाएगा, संविधान कमजोर हो जाएगा। जी ठीक है। एक सज्जन है अमेठी में, विकास अग्रहरि नाम है उनका। मैं एक बार गया वहां पे रिकॉर्डिंग करने के लिए अमेठी की, तो इस सज्जन मुझे मिल गए। तो जब पहली बार मुझे मिले, मैंने कहा आपका परिचय? बोले मैं भूतपूर्व चौकीदार, भूतपूर्व ये भूतपूर्व वो। तो मैंने कहा कि भैया ये भूतपूर्व कैसे चौकीदार कैसे हो गए, भूतपूर्व अंधभक्त कैसे हो गए? तो इन्होंने जो वीडियो बोला मेरे साथ में, वो पूरे देश में करोड़ों जगह वायरल हुआ। फिर स्मृति ईरानी ने इन पर डोरे डाले या इन्होंने कुछ जाल फेंका। एक दिन नेशनल टीवी पे खबर चलने लगे कि विकास अग्रहरि कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल, स्मृति ईरानी इनको बाकायदा पटका वटका पहना रही थी। बड़े खुश होकर तुरंत NIPTI से खबर जारी कराई गई। उसके 4 घंटे बाद इन्होंने बयान दे दिया कि मैं तो स्मृति ईरानी को ज्ञापन देने गया था, इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के पटका पहना दिया। मतलब स्मृति ईरानी की उन्होंने बहुत किरकिरी करी। आज मेरे साथ जुड़े हैं, बड़े प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। विकास अग्रहरि, मन की तमन्ना पूरी होती दिख रही होगी अभी, लेकिन चिंता मत करो, अभी बहुत चरण बाकी हैं। पलट के आएंगी, जीतेंगी तो स्मृति ईरानी, कैसे लगेगा जीतेंगी तो? माइक अनम्यूट कर लो विकास, और बताओ फिर अपनी बात। विकास माइक अनम्यूट कर लो, माइक 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 माइक। यस संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ये अमेठी जो इतिहास रहा है, आज वो फिर उभर करके सामने आया है। टूटा है स्मृति ईरानी जी का घमंड, टूटा है स्मृति ईरानी जी का घमंड। और ये अमेठी की जिंदा दिल आवाम ने आज ये फिर बताया है कि अमेठी वो क्रांतिकारी धरती है जो एक बार तो अपने सर के तार आपको दे सकती है, लेकिन दोबारा आपको अगर आप सही काम नहीं करेंगी तो इसी मिट्टी में, इसी अमेठी की धरती पे आपका हिसाब किताब करके आपको बेरंग, आपसे आपको क्रूर छीन करके वापस गुजरात, गोवा, मुंबई, जहां भी आपको रहना है आप वहां जाइए। अमेठी में आपकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अमेठी की जनता ने, अमेठी की आवाम ने मैंडेट दे दिया है। किशोरीलाल शर्मा जी लगभग 30,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं, जो अभी हमको अभी थोड़ी देर पहले 4-5 मिनट पहले इनपुट आया है। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि स्मृति ईरानी का घमंड टूट गया है। जो गुरूर उनको था कि उन्होंने राहुल गांधी को एक चुनाव हरा दिया था, हम जैसे भूतपूर्व भक्तों की वजह से उन्होंने चुनाव हराया था राहुल जी को, और अब ये सेट बैक आ गया है, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने जा रहा है, वो कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता से चुनाव हारने जा रही हैं। अभी कई राउंड अभी और होने हैं, जीत गई ना तो फिर आपको समझ जाइए आपको क्या हाल होगा। चिंता नहीं है, हमारा इतिहास रहा है, गांधीन का इतिहास रहा है, नेहरू का इतिहास रहा है, हर एक व्यक्ति का इतिहास रहा है कांग्रेस के जेल जाने का और जान देने। नेटवर्क शायद, हम लोग कहीं से भी जाने वाले लोग नहीं है, उनको जो करना है
एक था ना, वक्त आने दे बताएंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं।